वापसी किसको अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने कहा, ईटानगर हाई सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपना जो 11, 12 का जो शिक्षा प्राप्त किया, और ये मेरे लिए एक स्टार्टिंग मार्क, बेंच मार्क रहा है। और घर में जब कोई बुलाता है, जब गाँव में भी जब बुलाता है, तो आना किसे नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए ये स्कूल के लिए सिर्फ खुशी का माहौल नहीं है, मैं समझता हूँ ये हम जितना जो अलुमनी आए, हम सभी के लिए एक जॉयस मोमेंट। आजकल खास करके आप सब अरुणाचल में हो, आप तो घर वापसी करते हैं, हम बोला गिव बैक टू सोसाइटी चल रहा है। जहाँ भी भाषण देखता हूँ, नेता या मंत्री या MLA या सोशल वर्कर, यही गिव बैक टू सोसाइटी। आप कैसे करके देना चाहेंगे बच्चों लोगों को और हमारा जो लेगेसी जो ले जाने वाले लोगों को? मैंने जैसे आपके भाषण में भी कहा, अभी भी बोलता हूँ, जब जब स्कूल का खोल रहेगा, क्योंकि इसमें कब क्या जरूरी होगा, कब कहाँ हमारा इंटरव्यूशन जरूरी होगा, अथॉरिटी की तरफ से कभी भी लगेगा कि हाँ हम अलुमनी का कहीं में योगदान जरूरी है, सजेशन सुझाव जरूरी है, तो हम उसी क्षण हम आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा। इसलिए कंट्रीब्यूशन का जब बात करेंगे, गिव बैक का जब बात करेंगे, सिचुएशन जैसे जैसा डिमांड करेंगे, हम अपना तरफ से जो सब कुछ हमसे जो बन पाता है हम करेंगे। हमारा पीछे जो पढ़ के आने वाले भाई बहन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि एक स्टूडेंट का ड्यूटी बनता है कि सबसे पहले पढ़ाई को फोकस देना है, नंबर वन। और नंबर टू, आज का सोसाइटी बहुत कम्पिटिटिव हो गया, बहुत चैलेंजिंग हो गया है, उसका साथ में जो अपना जो गोल है उसको फोकस रहना है। मैं तो यही कहता हूँ, बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ एंड नो योर प्रायोरिटीज। आगू साहब का कहना है नो योर प्रायोरिटी, लेकिन अभी हमारा यूथ्स का बहुत बड़ा एक चैलेंज है, जो अरुणाचल प्रदेश में पूरा समाज से लेके सोसाइटी से लेके परिवार लोग फंसे हुए हैं ड्रग्स में। हाँ, मैंने मेरा भाषण में भी यही मैंने मेंशन किया था कि ड्रग्स छोड़िए, खेल में छोड़िए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये ड्रग्स का वजह से हमारा जो अरुणाचल का स्पेशली यूथ लोग पूरा बर्बाद हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है चड्डा साहब, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट्स रहे हैं और ईटानगर से ही पास किया हुआ है? देखिए मनोज भैया, आइए मेरा तरफ से यही सजेस्ट करेगा कि आप जब अपना लाइफ को कहीं भी माने इंगेज रहेगा, पढ़ाई में ध्यान देगा, आप खेल कूद में जोड़ेगा, अपना को फिटनेस रहेगा, और ड्रग्स के बारे में आप कभी सोचेगा भी नहीं है। इसलिए आप अपना आपको एक्टिव रहिए और अपना फिटनेस को मेंटेन कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और दूसरा ऐसे फालतू वाला चीज़ ड्रग्स आपको बिल्कुल भी आप सोचना भी नहीं है। थैंक यू। हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे 12 को इनॉग्रल फंक्शन था, उसमें हमारा चीफ गेस्ट ये एजुकेशन कमिश्नर पद्मिनी सिंगला जी मैडम थी, एंड देन हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर डायरेक्टर श्री मार्केट कादू जी था। तो आज फाइनली हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे खत्म हो गया, सो हम चीफ गेस्ट अपना ही एलुमनी को बुलाया, गेस्ट ऑफ ऑनर भी अपना ही एलुमनी था, और जितना भी यहाँ पे एलुमनी आमने सामने दिखाई दिया, आज एलुमनी डे था, सो दैट बच्चे इन लोग से सीखे, क्योंकि यहाँ से जितना भी पढ़ाई लिखाई किया सब कोई ना कोई मिनिस्टर बन गए या बिजनेसमैन में पूरा अच्छे नाम कमा रहे, एंड देन अपार्ट फ्रॉम देट मैक्सिमम तो डॉक्टर या इंजीनियर बन गए हैं। सो इसके लिए बच्चे इन लोग से देख के कुछ सीखे, इसके लिए आज हम लोग लीडर्स नहीं बुलाया, सब एलुमनी को ही बुलाया। वो लीडर हो सकते हैं दूसरे के नज़र में, लेकिन हमारे लिए वो अपना ही यहाँ घर के फैमिली मेम्बर्स था, सो दैट बच्चे यहाँ पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए भी क्या कर सकते हैं, इन लोग सीख सके, इसके लिए सब एलुमनी जो जो फेमस एलुमनी यहाँ का था उसको सबको बुलाया, सो इन लोग सब आए, हमारे बच्चों को एडवाइस दिया। रैली हमारा चीफ गेस्ट होता है यहाँ को और गेस्ट ऑफ ऑनर को हम शुक्रिया अदा करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल फैमिली से।